हेलो दोस्तों। और आज एक अलग सी ट्रेजिक सी चीज़ हुई, मैं आपको बताना चाहूँगा। कैसा है कि आज है फ्राइडे, जुम्मा आप सब जानते हैं। तो फ्राइडे है तो नमाज़ पढ़ने जाना है। हाँ, पहले उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एक गलत फहमी होती है लोगों को कि मुस्लिम्स लोग सिर्फ फ्राइडे को ही नहाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, हम सारे एक दिन नहाते हैं। लेकिन फ्राइडे जुम्मा मतलब होता है कि उस दिन एक अलग तरीके का स्नान होता है जो हमें करना पड़ता है, जिसे हम उसूल कहते हैं। तो हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि हाँ, मैं उठा सुबह, फिर बहुत मुझे काम था, कुछ मैंने किया, फिर मैं नमाज़ पढ़ने गया कुछ 1:30 आफ्टरनून के आसपास। फिर वहाँ से नमाज़ पढ़ के डैड के साथ था, और मुझे एक हार्डवेयर की शॉप में काम था, कुछ लेना था, लाइटनिंग का कुछ सेट लेना था फॉर माय वीडियोस। तो मैं वहाँ पे गया डैड के साथ, और वहाँ पे मैं जग गया, और वहाँ पे जब सामान लेके निकला तो मैंने एक बिल्ली का बच्चा देखा। अब बिल्ली का बच्चा ऑलमोस्ट मरने को था, और मुझे देखकर ऐसा लगा यार, उसकी मॉम भी उसको देखी और वो चली गई। मैं बोला यार ये जाने वाली है, उसकी मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, देख के खड़ा था। मेरे पापा ने पूछा क्या हुआ, तो पापा ने देखा, तो मैं बोला चलो उठा लो इसको। और पापा थे कि घर पे, मम्मी, मैं बोला नहीं उठा लो, चलो उठा लिए। अब लेके आया वो घर पे, दूध पिलाया उसे, मस्त चटोरे की तरह दूध पिया उसने। और अभी दूध तो पी लिया है, अब बैठी है, तो देखते हैं। अभी उसकी हालत तो बहुत ख़राब है, मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसी है वो, थोड़ा उसको स्टेबल हो जाने दो तो आपको मैं बताऊंगा। तो एक आ गई है बिल्ली, अभी मेरे पास ऑलरेडी दो रैबिट्स है, मेरे पास लव बर्ड्स है, और एक नया कलेक्शन आ गया अभी, एक कैट का। इसको थोड़ा देखते हैं, इसको थोड़ा संभालेंगे, तो बताता हूँ मैं आपको कैसी दिखती है हमारी नई मियाओ। वो पता भी नहीं मुझे वो मेल है या फीमेल है, तो अभी बैठी है, चलो देखते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बोला था अबाउट द कैट, मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ कैसी है। बहुत नाजुक सी है अभी, बहुत वीक है। चलिए देखो कि वो कैसी लग रही है अभी। चलो देखते हैं, बहुत स्वीट सी है, अभी गंदी है, लेकिन मुझे उसको मिलाना नहीं चाहिए। बात थोड़ी ठीक हो जाए तब उसको मिलाएंगे। बहुत टायर्ड है वो, बैठती है जैसा है, उसने थोड़ा दूध पिया है। चलो देखते हैं, उसका मुझे ख्याल रखना पड़ेगा अब कैसा जाता है। तो इसको सोने देते हैं। तो दोस्तों, अभी हो रहा है रात के 12, और आज का दिन था बहुत अजीब सा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वो कैट के बारे में, उसको संभालना था तो उसके पीछे थोड़ा लगा हुआ था। फिर आज मेरा एक अपॉइंटमेंट था मेरे डॉक्टर के साथ 7:30 के आसपास, तो वहाँ पे गया, थोड़ा लेट हो गया ट्रैफिक में। 8:30 पहुँचा, तो जस्ट 12 बजे अभी घर पे आया हूँ। तो आज का तो दिन हो गया है पूरा। अभी वो किटन भी है थोड़ी अच्छी, एंड द प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेरे जो रैबिट्स है दोनों, वो बहुत डर रहे हैं। अभी वो डर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं आवाज़ से, क्योंकि उनको आदत नहीं है बिल्लियों की। अब देखते हैं क्या कर सकता हूँ। मोस्टली ये प्लानिंग है कि ऐसे खिला पिला कर वो बिल्ली को बाद में वापस छोड़ आओ, कि हेल्दी हो जाएगी तो खुद का ख्याल रख सकती है। क्योंकि चलो देखते हैं, अब कल का भी कुछ प्लानिंग है, देखते हैं कैसा चलता है सब। चलो गुड नाइट, अभी तो तुम लोग तो सुबह देख रहे हो वीडियो को। चलो देखते हैं कि नेक्स्ट डे मेरा कैसे जाता है। बाय बाय।